तो आप सब भी चाय पीजिए मेरे साथ। दूध का हड़ताल चल रहा है तो हम इसीलिए पानी वाला चाय पीते हैं। दूध गिर गया। दूध आत्महत्या कर लिया मेरे यहाँ, इसीलिए पानी वाला चाय पी रहे हैं। और क्या करने वाले हो देखिए। हैप्पी होली। तो ये देखिए खाना बनाते बनाते हम होली खेलने लग गए। हो रहा है 1 बज गया है और हम अभी नहा धोकर रेडी हुए हैं, तो चलिए हम नाश्ता करते हैं। और नाश्ता करने के बाद बहुत बड़ा काम है, बताइए क्या काम है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? ऑफकोर्स अच्छे ही होंगे, है कि नहीं? गुड मॉर्निंग। ठंड गया कि नहीं आप सबके इधर से? ठंड तो ऐसे दुम दबा के भाग गया है, और गर्मी भाई जी आ गए हैं, है कि नहीं? हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी, खुजली गर्मी, कैसा है गर्मी? इतना गर्मी तेज का पड़ रहा है, आगे पता नहीं कितना गर्मी होने वाला है। तो आप लोग मेरे एनिवर्सरी ब्लॉग वीडियो देखे, दिल से थैंक यू। और आप लोग के मन के जितना भी सवाल था, आप लोग सोचते थे, वो सारे सवाल का जवाब मिल गया कि नहीं मेरे शादी वाला वीडियो देख करके? अब मिल ही गया होगा, मेरे शादी वाला वीडियो देख करके सारे आप लोग का सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब तो कोई डाउट नहीं ना है, अब तो कोई सवाल नहीं ना है हमसे, बताइए? अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया, हो ही गया होगा, है कि नहीं? तो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं एनिवर्सरी ब्लॉग वीडियो, तो फटाफट से आप लोग देखिए, तब जाके आप लोग का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, जितना कन्फ्यूजन है सब ख़त्म, है कि नहीं? आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। और हम क्या कर रहे हैं अभी? ऑफकोर्स खाना ही बना रहे होंगे, और क्या कर सकते सुबह सुबह। और मेरे घर के बच्चे सब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है, चलिए दिखाते हैं। ये देखिए, आप सबसे बात करने के चक्कर में दूध उबल के गिर गया है, देख रहे हैं? देखिए गिर गया दूध। देखिए ये दूध का जो है ना, अजीब लीला है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तब से हम देख रहे थे दूध उबाल नहीं मारा, थोड़ा सा आप सबसे बात क्या करने लग गए, दूध बेचारा बुरा ही मान गया कि हमसे नज़र हटा करके किससे बात कर रही है कि नहीं? आत्महत्या कर लिया दूध। तो ये देखिए अभी कौन आई थी इधर से। कुछ भी नहीं। ये देखिए ये झाड़ू लगा रही थी घर में। अर्णव को दिखा रहे हैं, पहली बार पढ़ता नजर आया है। तो अर्णव सुबह सुबह पढ़ाई कर रहा है, बता सकता है अर्णव सुबह सुबह पढ़ाई करने का वजह? एग्जाम है कल। क्या है? एग्जाम। तो अर्णव का एग्जाम है, तो दूध बेचारा बुरा मान के आत्महत्या कर लिया है। और घ्यूरा जो है जो चढ़ा हुआ है बन रहा है, और कुछ बना रहे हैं, आप सबके लिए भी बना रहे हैं। तो आप लोग भी आइए और हमारे यहाँ खाना खाइए, नाश्ता कीजिए, और साथ में पानी भी पीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे दूध कितना गिरा। दिखाते हैं कि दूध बेचारा बुरा मान के कितना आत्महत्या किया है, भी बताते हैं। तो ये देखिए दूध बेचारा इतना आत्महत्या किया है, बेचारा दूध। तो ये देखिए ये क्या है, कमेंट करके बताइए तो, ये है क्या? और इसका हम क्या बनाने वाले हैं, आप लोग जानते हैं? तो जल्दी से कमेंट करिए कि ये है क्या और क्या बनाने वाले हैं आज हम। हेलो हेलो, हाय, दूसरे ड्रेस में नजर आई। तो ये देखिए अंकिता भी आई है, कहाँ से, कहाँ से आई है अंकिता? ट्यूशन करके आई है अंकिता। ओ माय गॉड, तो अंकिता अभी तक पढ़ाई कर ही रही है, स्कूल में ही है। तो ये है लाल चाय मेरे लिए गर्मा गर्म, देखिए हाफ कप चाय बना करके छोटी दी है हमको, हाफ कप। हाफ ही पीती है उससे भी। हम हाफ ही पीते हैं। हाँ, इससे भी हाफ। हाँ तो ये इसमें जो है ना, ये जो चाय है इसमें से आधा पियेंगे हम, आधा छोड़ ही देंगे। आप सब भी चाय पीजिए मेरे साथ,
दूध का हड़ताल चल रहा है तो हम इसीलिए पानी वाला चाय पीते हैं। दूध गिर गया। दूध आत्महत्या कर लिया मेरे यहाँ तो इसीलिए पानी वाला चाय पी रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लाल चाय ही पीते हैं, दूध वाला चाय हम पीते ही नहीं हैं। आप लोग मेरे बहुत सारा ब्लॉग वीडियो में देखे होंगे कि हम लाल चाय ही पीते हैं, दूध वाला नहीं है ना। तो ये देखिए घिवड़िया बन के तैयार हो गया है। नहीं घिवड़ा है। बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए सबसे बड़ा सरप्राइज कि अभी तक मेरे घर में डेकोरेशन है ही। ओ माय गॉड। तो ये देखिए इसमें पैसा बहुत लगा हुआ था ना बैलून में, तो इसीलिए अभी तक हटाए नहीं है। फुल पैसा वसूली। हाँ अभी तक घर में है ही। अभी भी चाहेंगे तो यहाँ पे फोटो वीडियो फोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, इसीलिए छोड़ दिए हैं। तो पोज मार के खड़ी हो चुकी है मम्मी। हाथ में लीजिए कढ़ाई चम्मच। मम्मी अपना कढ़ाई चम्मच नहीं, कढ़ाई नहीं काटा चम्मच छुरी लेके तैयार। दिखाइए क्या क्या औजार है आपके पास। ये चावल निकालने वाला है, ये भी चाकू है और ये भी चाकू है, बिना धार का चाकू है और ये भी और ये जब जरूरत पड़े किसी को मार भी पड़ सकता है। डायरेक्ट निकालो मार पड़ना स्टार्ट। तो देखिए अभी तक डेकोरेशन है ही घर में, फुल वसूली है ना। डेकोरेशन के साथ हम लोग फुल वसूली किए हैं। यस तो चलिए इसी बात पे हम एक फोड़ते हैं। ओह माय गॉड आवाज इसका मिनमिरा गया है। ओह माय गॉड आवाज वैसा नहीं रह गया है पहले की तरह, आवाज में जो है ना से खामोशी छा गया है। तो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू ब्लॉग हम अपलोड करें तो आप सब तक के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ जुड़ पाए, मेरे ब्लॉग वीडियो देख पाए। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ, अभी आगे बाकी है और क्या करने वाले हैं वो देखिए। हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली। तो ये देखिए खाना बनाते बनाते हम होली खेलने लग गए और कैसे लग रहे हैं। ये अबीर गाल पे लग चुका है और कपड़ा सपड़ा भी पहन लिए हैं। अब क्या करने वाले हैं तो शॉर्ट वीडियो बनाने वाले हैं, है कि नहीं। तो सोचे कि नहाने से पहले जो है ना से वीडियो बना लेते हैं, नहीं तो फिर से रंग अबीर करके जो है सो फिर से नहाना पड़ता है, तो इसलिए पहले वीडियो ही बना लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी वीडियो बनाइए। तो मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं। यस आइए हस्बैंड जी आइए आइए। ओ माय गॉड इतना सामान लेकर के आए हैं हस्बैंड जी। गुड मॉर्निंग हस्बैंड जी। आ देखिए तो हस्बैंड जी मेरे आए हैं, सामान रख दिया, फिर से घर के बाहर जा रहे हैं। देखिए फिर से निकल पड़े। तो मेरे हस्बैंड जी घर के सामान लेकर के आए हैं, साबुन सर्फ। ओ माय गॉड ये क्या है। ओ माय गॉड तो ये अर्नव के लिए, अंकिता छोटी के लिए। ये देखिए कितना सुंदर टॉफी है। तो हम नहा धोवा के हो गए हैं रेडी और घड़ी में कितना बज रहा है, एक। अभी समय हो रहा है 1 बज गया है और हम अभी नहा धोवा के रेडी हुए हैं। तो चलिए हम नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद बहुत बड़ा काम है। बताइए क्या काम है। दवाई खाना है क्योंकि हमको फीवर लग गया है। देख रहे हैं आँख, देखिए मेरा मौसम का बदलाव से जो है सो सर्दी खांसी फीवर ये सब जो है ना अभी सब घर घर में होने वाला है क्योंकि मौसम में जो है ना भारी गिरावट आ गया है। अचानक से ठंड था और अचानक से गर्मी, इतना तेज का गर्मी अभी पड़ रहा है। आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रहा है ना। तो हम पहले हम नाश्ता करते हैं और उसके बाद दवाई खाएंगे। तो नाश्ता में है रोटी, भिंडी का भुजिया, घिवड़ा का भुजिया और ये टिकरी और अचार, साथ में पानी। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ नाश्ता कीजिए। तो मेरे साथ आप लोग भी नाश्ता कीजिए। 1 बज चुका है तो हम जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, है कि नहीं, क्योंकि आप लोग को कुछ दिखाना है। हम जो एनिवर्सरी मनाए थे या दीदी लोग को बुलाए थे ना, मेरी दीदी सब आई थी, वो गिफ्ट दी है हमको, तो वो गिफ्ट हम अभी तक आप लोग को नहीं दिखाए हैं। तो आज जो है ना एनिवर्सरी में जो मिला है गिफ्ट हमको, वो आप लोग को दिखाएंगे। बने रहिए मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ, हम फटाफट से नाश्ता करते हैं फिर दिखाते हैं। तो मेरा नाश्ता हो गया है और दवाई भी खा लिए हैं। तो चलिए अब फटाफट से हम गिफ्ट दिखाते हैं।
तो गिफ्ट हम पहले से ही खोल लिए थे। हाँ उस दिन सब दी थी, दीदी लोग आई थी तो दी, तो फिर हम फटाफट से खोले क्योंकि सब बोली कि देख लो पसंद है कि नहीं पसंद है ना, तो फिर इसीलिए गिफ्ट ओपनिंग हम पहले से ही कर चुके हैं लेकिन दिखा रहे हैं आप लोग को अभी। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये सब सारा झूठ है, कोई दी नहीं है, ये मेरा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, सब दी है। तो चलिए हम फटाफट से दिखाते हैं कि कौन क्या दिया है। टिन 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 टिन, तो देखिए गिफ्ट रैपर, तो गिफ्ट हम खोल चुके हैं, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं, ये आया है झंझारपुर से, सरिता दीदी दी है, तो ये झंझारपुर का गिफ्ट है। तो ये देखिए, ये मेरे लिए ड्रेस लाई है सरिता दीदी। मेरे पसंद का गिफ्ट जो हम पहन सके। और सबसे इसमें देखिए ये पर्स, छोटू सा पर्स है, कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसका गिफ्ट जो है सबसे अच्छा है। तो ये हो गया सरिता जी का गिफ्ट था। ये भी झंझारपुर से ही आया है, जीजू की तरफ से मिला है ना, सरिता दीदी के हस्बैंड जी की तरफ से, वो दोनों पति पत्नी आई थी तो इसीलिए दो गिफ्ट मिला है। और गाड़ी वाले भैया कभी भी मेरे जीवन से नहीं जाएंगे, उस डेरा पे थे तो वहाँ पर भी हुरमुड़ भा, यहाँ पर भी वही लगल रहता है। तो ये देखिए कृष्ण जी है, ये जीजू की तरफ से मिला है, चलिए प्रणाम कर लीजिए। आज गर्मी बहुत ज्यादा है। और ये चुन्नी जो है, तो आप लोग देखे हैं ना मेरे वीडियो में, ये चुन्नी हम ओढ़े थे तो ये मेरी गीता दीदी जो है ना पहले ही हमको दे दी थी, तो ये चुन्नी हम ओढ़े थे, तो ये गीता दीदी की तरफ से ये गिफ्ट था चुन्नी, है ना। और ये जो है तो मेरी बड़ी दीदी दी, ये बड़ी दीदी आई थी ना तो वो दी। और मेरे पापा की तरफ से हमको क्या मिला, तो मेरे पापा की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद मिला है हमको, बस हम उसी में खुश हैं, हमको यही चाहिए। आप लोग से भी हमको कुछ नहीं चाहिए, बस ढेर सारा प्यार सपोर्ट आशीर्वाद चाहिए आप सबसे भी। तो ये मेरी दीदी लोग के यहाँ से आया ये गिफ्ट। अब मेरे हस्बैंड जी क्या दिए हमको ये बताइए। तो हस्बैंड जी का गिफ्ट आप लोग अगर देखिएगा तो आप लोग यही कमेंट करिएगा कि ये आपके पास पहले से ही था, ये आप लोग ज़रूर बोलिएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हस्बैंड जी भी गिफ्ट दिए हैं हमको और वही हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप लोग ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि ये आपके पास पहले से ही था, क्योंकि पिछले बार आप लोग यही कमेंट किए थे कि आपके पास पहले से ही है, पहले से ही है, तो ऐसा नहीं है। तो चलिए अपने हस्बैंड जी का गिफ्ट दिखाते हैं। दिल थाम के बैठिए कि मेरे हस्बैंड जी क्या दिए हमको। तो ये मेरे हस्बैंड जी की तरफ से बहुत बड़ा वाला, बहुत 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 बड़ा वाला होगा कुछ गिफ्ट। बहुत बड़ा तो नहीं है, है छोटा सा गिफ्ट, लेकिन देखिए ये मेरे हस्बैंड जी की तरफ से मिला है हमको। और एक और बड़ा वाला गिफ्ट मिला है वो दिखाते हैं। और ये देखिए सबसे बड़ा इयररिंग है ये। अब इसमें से आप लोग कमेंट करिए कि असली कौन है और नकली कौन है। ये दोनों मेरे हस्बैंड जी की तरफ से मिला है, हम भी सरप्राइज हो गए थे इसमें असली कौन है नकली कौन है देख करके, हम भी ऐसा चंबे रह गए कि अरे इसमें असली कौन है नकली कौन है। तो आप सबसे भी हम पूछ रहे हैं कि इसमें असली कौन है नकली कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और ये मेरे हस्बैंड जी की तरफ से मिला है हमको तोहफा में, मेरे एनिवर्सरी गिफ्ट। और ये सब झूठ नहीं है और नकली में नहीं है,
है इसमें एक नकली और एक असली, आप लोग कमेंट करके बताइए। ये इयररिंग जो है बड़ा और ये छोटा, इसमें कौन सा असली है? देखिए तो ये मिल गया हमको मेरे हस्बैंड जी की तरफ से। अब हम अपने हस्बैंड जी को क्या दिए? कुछ नहीं, क्योंकि अगर हम कुछ अपने हस्बैंड जी को दे रहे हैं तो वो सारे मेरे हस्बैंड जी के ही है पहले से ही, क्योंकि हस्बैंड जी हमको पैसा देते हैं, है ना, तो वही पैसा के हम कुछ खरीदेंगे, तो इसीलिए कुछ हुआ नहीं। जितना घर में कोई चीज़ भी है अगर हम बाहर से ला रहे हैं वो सारे मेरे हस्बैंड जी के ही है पहले से ही, तो इसके लिए हम कुछ नहीं दिए हैं। बस हस्बैंड जी को हम सरप्राइज दिए थे, एनिवर्सरी जो हम मनाए थे वो हमारे हस्बैंड जी को पहले से पता नहीं था कि हम एनिवर्सरी मनाने वाले हैं, तो वो सरप्राइज़ हम अपने हस्बैंड जी को दे दिए कि हम एनिवर्सरी मनाएंगे और ऐसे मना रहे हैं, है कि नहीं। तो ये सारा गिफ्ट आप लोग देखें और आप लोग को कैसा लगा, आप सबको कैसा लगा ये गिफ्ट और किसका गिफ्ट सबसे प्यारा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, और किसका गिफ्ट सबसे बड़ा है कि नहीं। तो आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ जुड़े रहे इसके लिए दिल से थैंक यू। और अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एंड मेरे गिफ्ट देखने के लिए और अपने दीदी सारी दीदी को दिल से थैंक यू, अपने हस्बैंड जी को दिल से थैंक यू कि इतना अच्छा गिफ्ट हमको दी, और मेरे हस्बैंड जी भी दिए हैं, इसके लिए सबको दिल से थैंक यू। एंड आप सबको बाय 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 बाय।